नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका ओरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। मैंने डिटेल एनालिसिस का वीडियो किया था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल का, तो आज आपका पेपर हुआ है। जैसे मैंने उसमें बताया था कि इर्गोनॉमिक्स जो चैप्टर है उसके ऊपर अच्छा वेटेज है, तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कम से कम 20 मार्क्स का इर्गोनॉमिक्स का आया था। उसके बाद एक पी चार्ट का प्रॉब्लम आया था और एक एनपी चार्ट का प्रॉब्लम आया था, और जो A2 का जो वैल्यू दिया था ना लास्ट क्वेश्चन में, वो एक्चुअली एक्स बार आर का चार्ट का प्रॉब्लम नहीं है। वो डिफेक्टिव में से अगर 300 का लॉट है उसमें से कितने डिफेक्टिव निकले, ऐसे आपको उन्हें दिया था। मतलब वो पी चार्ट का प्रॉब्लम था, वो एक्स बार आर का नहीं था। तो आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं कि अभी आपका IHP का पेपर है, तो IHP का भी सेम है कि आपके जो दिया है, आपको क्वेश्चन बैंक दिया है, या आप बोल सकते हो कि ज़्यादा पेपर्स अवेलेबल नहीं है, एक ही पेपर आपको दिया है। तो सर अभी पढ़ाई कैसे करेंगे कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसका एक देखेंगे। क्वेश्चन पहला छोड़ देंगे, 2 मार्क्स का है उसका, कुछ इतना ये नहीं है, और एक ओवरव्यू करेंगे क्वेश्चन का, और बाद में उसका मैं डिटेल एनालिसिस बोलता हूँ। इसके पहले मैं और एक आपको बात बताना चाहूँगा कि बाकी के जितने भी क्वेश्चंस थे ना इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के ऊपर, मैंने उसके सारे वीडियो बनाए वाले हैं। अगर आपने वीडियो अगर एक एक वीडियो देखा और क्वेश्चन पेपर में के क्वेश्चन देखे, तो ऑलमोस्ट सारे मेरे वीडियोज़ अवेलेबल है। ओशी कर्व का वीडियो है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ क्वालिटी वैल्यू ऑफ क्वालिटी का वीडियो है, उसके बाद 100% इंस्पेक्शन और आपका सैम्पलिंग, वो भी उसका भी है। मतलब अगर आप वीडियो भी देख लेते हो ना, तो आपका पढ़ाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो मैं ये प्लेलिस्ट में भी क्या करूँगा, आपको मेरा जो IHP का प्लेलिस्ट है वो दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो देख लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसमें सेफ्टी प्रिकॉशन रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक सिस्टम। ये फर्स्ट चैप्टर के ऊपर का क्वेश्चन है, ये नया है, आपको जी स्कीम में ये क्वेश्चन नहीं था, अभी आपके आई स्कीम में ये क्वेश्चन नया है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद ये हाइड्रोलिक कंपोनेंट के ऊपर वेन मोटर का है, अगर आप वेन पंप करते हो तो आपका वेन मोटर भी आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वापस चेक वाल्व का हाइड्रोलिक कंपोनेंट का क्वेश्चन है, और ये न्यूमेटिक कंपोनेंट का क्वेश्चन है। उसके बाद गियर पंप और पिस्टन पंप, मतलब ये हाइड्रोलिक कंपोनेंट का क्वेश्चन है, ये भी हाइड्रोलिक कंपोनेंट का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद शेपर मशीन, ये सर्किट का क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद अभी ये सीक्वेंसिंग सर्किट का क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक सीक्वेंसिंग का। उसके बाद कंट्रोल वॉल्व इन फुल सिस्टम, ये भी हाइड्रोलिक कंपोनेंट का है, ये भी हाइड्रोलिक कंपोनेंट का है, ये न्यूमेटिक का है। फिर उसके बाद ये आपका जो फ्लो डिवाइडर का सर्किट है, इसके लिए ये सर्किट बनाना है आपको फ्लो डिवाइडर का। फिर उसके बाद ये जो नया चैप्टर इंक्लूड हुआ है आपको लास्ट में, एयर ऑयल रिजर्वायर, ये उसमें से क्वेश्चन है ये। फिर उसके बाद सर्किट साथ है, यहाँ पे देख सकते हुए कि आपका जो टेलीस्कोपिक सिलेंडर है, ये वहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखना है, आपका आंसर है। फिर उसके बाद ये जो DC वॉल्व जो होते हैं ना 4x3, उसमें ऑल पोर्ट्स ओपन, टैंडम सेंडर वगैरह, उसका क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ये सर्किट का क्वेश्चन है, डिले, टाइम डिले का सर्किट है। फिर ड्रॉ एंड एक्सप्लेन टू पंप अनलोडिंग सर्किट, ये भी सर्किट का क्वेश्चन है। उसके बाद ये भी न्यूमेटिक सर्किट का है, और ये हाइड्रोलिक सर्किट का है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर ख़त्म होता है। तो सर आपने तो क्या किया, खाली क्वेश्चन पेपर पढ़ के सुनाया, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, अगर आप क्वेश्चन पेपर का डिटेल एनालिसिस करोगे तो हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स के ऊपर 7 से 8 क्वेश्चन आए वाले हैं, फिर न्यूमेटिक कंपोनेंट्स के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन है, फिर हाइड्रोलिक सर्किट है उसके ऊपर 7 क्वेश्चन है आपके हाइड्रोलिक सर्किट के ऊपर, और न्यूमेटिक सर्किट के ऊपर 1 क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए अभी हाइड्रोलिक सर्किट पे ज़्यादा क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक कंपोनेंट पे भी ज़्यादा क्वेश्चंस है। तो अगर आप हाइड्रोलिक के कंपोनेंट्स करते हो ना, अगर देखो, अगर आप हाइड्रोलिक मोटर करते हो तो आपकी हाइड्रोलिक पंप करते हो तो आपको मोटर का क्वेश्चन उसमें कवर हो जाता है, क्योंकि डायग्राम सेम है, खाली उसका वर्किंग अलग होता है। ओके, तो देखिए मेनली मोस्टली हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स के ऊपर ध्यान दीजिए और हाइड्रोलिक सर्किट के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि न्यूमेटिक सर्किट आपको, अगर हाइड्रोलिक सर्किट समझ में आ गए तो न्यूमेटिक भी आपको आ ही जाएंगे। मेरे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, देखिए सुकून से और पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू।